अस्सलाम वालेकुम भाई जान, की हाल? भाई वालेकुम सलाम। जान थोड़ा नाम की है मोहम्मद खान। मोहम्मद खान। हाँ जी सही है। गाइयाँ सारी दौड़ियाँ ने? हाँ जी 80 गाइयाँ ने? 80। 80? ठीक हाँ जी है। तो काम तो कितने के दिना तो कर रहे हो? 15 साल। हाँ 15 साल तो कर रहे हो? जी ठीक है। तो ये हुण थोड़े पास कोल 80 गाइयाँ ने, हाँ जी तो 80 गाइयाँ वास्ते तुसी कितनी के इन्हां दी जिहड़ी रखण दी रहायश दी शेड बनाया वो कितना है? किला। हाँ एक किले दे विच जी खुलियां छड़ियां जी, खुलिया जी, शेड नहीं बनया है। शेड नहीं बने, तो इन्हों सर्दी गर्मी वास्ते तुसी की करदे जी? सर बरांडे पाए ने। बरामदे? हाँ जी वो ही तो मैं पूछ रहा, मतलब कि वो कितनी एरिया होंदा? उनका एरिया 2 कनाल च पाए ने। दो कनाल विच? हाँ जी ते वो 80 गांव वास्ते, हाँ जी तो उन्दे वास्ते तुसी कितना खर्चा कीता उते? उन वास्ते 2-3 लाख खर्चा आ गया। 3 लाख रुपया हाँ जी खर्चा है? ठीक है। ते जानवर जो तुसी शुरू किया सी हाँ जी उदो कितने तो शुरू किया सी? उदों 2-3 तो। 2-3 तो शुरू किया हाँ सी, जी ते सारा उन्दे विच भी माशाल्लाह बरकत हुई। उन्हें बरकत हुई सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। ते ए मतलब के 1 साल बाद गांस सुंदी? 1 साल बाद। हाँ एक साल बाद जी हर गांस दे देंदी बच्चा या है? वैसे कोई नहीं भी देंदी, बच्चा 1 साल बाद देंगे, बच्ची या बच्चा। हर साल बाद हाँ देंदी? जी ठीक है। ते जो तो तुसी लई सी गां, तो कितनी उम्र दी सी? गां दूजे स्वस्थ हुई सी। दूजा सुया लई सी? हाँ जी कितने दी लई सी? उदो ले सी 40-45 हज़ार दी ली सी। 40-45 हज़ार दी? हाँ जी आज तो कितने साल पहले? अच्छा 15-16 साल पहले। 15-16 साल पहले। हाँ जी अगर हुण तुसी कोई गां मसलन बेचदे जी वैड वगैरह, हाँ जी वो तो कितने दी है? डेढ़-2 दी। 1.5-2 दी, हाँ जी जिहड़ी सूमन वाली होवे? हाँ जी सुन रहा। ठीक है। ते तुसी वेच देंदे जी ये? नहीं वेच दे दी। सही, तो हर साल बाद वेचदे जी या जदों कोई जरूरत वगैरह पैंदी ना उदों वेच? जरूरत पैंदी तो वेचनी, साल बाद वेच। ठीक है। ते तुसी इन्हें जिहड़े 80 गां रखी, हाँ जी इन्दे वास्ते चारे दी कितनी जगह तुहाडी? चारे दी 10 किले बीजे ने पट्टे। 10 किले पट्ठे? हाँ जी अपनी जमीन है या ठेके ते ठेके लई? ले ठेका ते 1 एकड़ का कितना ठेका देंदे जी? 40-45 हज़ार रुपये किले का। 40? उत्थे काश्त की कर दे? नरमा ते पट्ठे बीजी दे। नरमा ते पट्ठे? हाँ जी तो नरमे का फिर की कर दे? नरमा बेची दे। नहीं, इन्हें सिर्फ गायों वास्ते तुसी दसो ना भी गाय कितने वास्ते पट्ठे बीजी देने वास्ते वो कितने ने? वो 10 किले ने। 10 किले सिर्फ पट्ठे? पट्ठे ने? पट्ठे ने 10 किले ठीक है। तो 80 गांव वास्ते मतलब के बड़े ने, बड़े नसी हैं ते वास्ते। तूड़ी वगैरह या कौन दे वास्ते की तोड़ी भी कर? रही है तूड़ी कितनी है? 1,000 मन। 1,000 मन? हाँ जी ठीक है। मतलब आप 10 गांवों का काम करने, हाँ जी एक बंदा 10 गांवों तो स्टार्ट करता है, हाँ जी उनके वास्ते कितना चारा उन्हों काश्त करना चाहिए? उन्हें 2 किले पट्ठे होने, 100 मन तोड़ी हो 2 किले पट्ठे, तो 100 मन तोड़ी। ते वो केड़ा चारा होंगे जो काश्त करना होंगे? अच्छा बाज चरी बीज लो, बाजरा बीज लो अच्छा, बस। जो शौक ना ज्यादा की खादियां ने? शौक ना ज्यादा तोड़ी ते बाजरा ज्यादा तूड़ी ते बाजरा? बाजरा ठीक है। इन्हें तो अलावा तुम और कोई चीज़ पाते जो कोई वंडा वगैरह या और टुकर पाए देने सुखी रोटियां। सुखियां रोटियां, हाँ जी वो कितों लेंदे? फकीर वाली मतलब कि शहरों बाजारों आराम ना मिल जाती है, आराम ने मिल जाए। तो की रेट है उन्होंने सुखी रोटियां? 1,600। 1,600 हाँ दा? जी ठीक है। ते एक गां है उनका बच्चा जेड़ा है वो कितने का तकरीबन है? मगर कोई 2 साल का होंगे तो कितने का होंगे? 2 साल का, 2 लाख का, 1.5 लाख का, 2.5 लाख का, जितने ठीक हो जाए। 2 साल का? 2-2.5 लाख का? हाँ जी बच्चा कि बड़ा महंगा यार। हाँ जी ये कि नस्ल है जी तुम रखी हुई है? ये देसी नस्ल है। आ जी सारी गावं चरदिया पे ने दुनिया अपनिया ने? अपनी सही। तो 80 गावं वास्ते तुम कितने बंदे इन्हों जो चरा दे जी या रखवाली कर दे? 2 बंदे। दो बंदे हाँ जी काफ़ी ने? काफी। तो कि जगह तुम ज़्यादातर इन्हों चरा दे जी? सारा वो टिब्बी ने टिब्बी थे चोलस्तान बंदे इस साइड पर भी जाते जी एक चाहिए। दिन? सही, जिते मक्कियां वगैरह काश्त होंगे उत्थे भी लै जाते? चाहिए सही। ते अगर जेड़े एक गां कितना कु दुध देंदी? 5 किलो 4 किलो। 5 किलो 4 किलो? हाँ जी मतलब कि वो जेड़ा बच्चे बुच्चे नू दे ते ते 4 किलो? हाँ जी 4 किलो दे देंगे। तो 1 किलो की हिसाब सेल हुंदा है? किलो 50 रुपये। 50? आराम ना हो जाता है? स्कूल ना इतों आ रहे घरों लै जाते? घरों लै जाते। ठीक है। शहरों के तो 100-100 रुपये देंगे ने, वो भी पतला? हाँ शहर दे देंगे। तुसी शहर च क्यों नहीं सेल कर दे? असीं दिंदे सर टाइम ही कोई नहीं हुंदा। तो फिर वो सस्ता इत्थे दे देंगे? वाह इत्थे दे देंगे सस्ते। ठीक है। शायद टाइम नहीं होता ना जान का। तकरीबन 10 गावं रखिया हो तो उन्होंने किन्ना क दुद्ध हो जाएगा? 10 गाय का हो ही जाता, माण के तो हो जाता। माण हो जाता? हाँ जी ठीक है। डेली मतलब के वो 2,000 रुपये का हो जाता है? 4,000 का। 4,000 रुपये? हाँ जी ठीक है। 50 रुपये के हिसाब न माण? 2,000। 2,000? ठीक है। सुबह शाम तुम ला रहे? हाँ जी 4,000? सुबह शाम। ठीक है। आराम ना सेल हो जाता दुद्ध, कोई मसला तो नहीं बनता? कोई मसला नहीं।
ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਦੁੱਧ? ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਮਗਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਖੋਰ ਦੀ, ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਵਿਲ ਦੀ ਬਸ, ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਬਸ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਉਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਲਾਈਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਟੀਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ? ਜੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਵਾਈ ਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਘਰਾਂ ਤੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਜੀ? ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰੀਦਾ ਜੀ? ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ? ਖਤਰਨਾਕ ਮੂੰਹ ਖੋਰੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤਨੇ ਫੀਸਦ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਚਣ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ? ਜੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਲਵਾਲਦ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਲਵਾਲਦ ਫਿਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਹੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੈਦਾ ਖਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਮੂੰਹ, ਜਗ ਸੱਟਣ ਲੱਗਦੀ, ਰਾਣਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਠੀਕ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਨਵਰ? ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 10 ਗਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 1.5-2 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਾਂਦੀ 10 ਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਕੱਢ ਤੇ 1.5-2 ਲੱਖ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ? ਅੱਛਾ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਜੀ ਉਹ 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਬਾਜਾ ਮਾਲ ਮੁਨਾਫਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਤ ਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੱਚਤ। ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਗਾਵਾਂ ਦੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹਿਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ? ਉਹ ਲਹਿਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੇ 10 ਗਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਛਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੱਛਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਕੋਈ ਵੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਵੱਛਾ 1.5-2 ਲੱਖ ਦਾ, ਚੰਗਾ ਬਰਸੋਂ। ਸਹੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੋੜੀ? ਰਿਆਸਤੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਆਸਤੀ ਨਸਲ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ? ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਾਜੀ ਲਾਵੇ ਸਾਹਿਬਾਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਰੋਟਵਨ ਨੂੰ ਦਿਲਾ ਵੀ ਦੇ ਨਸਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਅੱਛਾ, ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੋਗੇ? ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੀ? 0-368-65-6472। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੇ? 0-368-65-6472। 972। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।